नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, 1509 × 1509 = क्या होगा। जब हम 1509 × 1509 करेंगे तो क्या आएगा? तो हम गुना करेंगे तो समय ज़्यादा व्यतीत होगा और हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ भी हो। तो हम एक और आसान सा ट्रिक लाए हैं जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, हम लिख लेते हैं 1509 × 1509, ये दिया गया है। तो हम इसे ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे इसको, 1509 है इसको हम 1500 लिख लेते हैं, और दो बार है, यहाँ से भी 1500 है, यहाँ भी 1500 है, तो इसकी घात में 2 लिख देते हैं। धन 9 भी दो बार आया है, यहाँ पर 1500 तो हो गया, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1509, और 9 भी दो बार आया है तो 9 का स्क्वायर। अब एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, हमें ये दिख रहा है a बराबर हम मान लेते हैं 1500 और b बराबर हम मान लेते हैं 9। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। लगाते जाते हैं हम, ए का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1500 का स्क्वायर, धन बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, धन 2 × 1500 × कितना हो जाएगा, बी बराबर 9, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 1500 × 1500 करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 × 15 करते हैं तो आता है 225 आता है, और यहाँ से 2 शून्य, और उस 1500 से 2 शून्य तो कितना शून्य हो जाएगा, 4 शून्य, 1 2 3 और ये 4 शून्य हो गया, धन 9 × 9 करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, धन कितना दिया गया है, यहाँ पे हो गया 15 × 2 = 30, तो ये हो गया हमारा 3000, 3000 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 27000। अब इन पूरे को हम जोड़ देते हैं क्या आएगा, यहाँ से है 81, तो 81 इधर तो 0 0 है, तो ये हो जाएगा लास्ट में 81। उसके बाद क्या है, 81 के बाद है फिर 0 0 है, उसके बाद हम इधर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया हमारा 7, ये 7 दिख रहा है तो हम 7 लिख देते हैं। उसके बाद फिर 5 और 2, ये भी हो गया 7, उसके बाद 2 और 2, ये रहा, तो क्या है हमारा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख 22,77,081, ये है हमारा आंसर जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको प्रश्नों को ऐसे ही आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।